हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा होगा, टी ही एरर करके एक एड कोड आता है जो कि एलजी वॉशिंग मशीन में अक्सर हमने देखा है। ये एरर कोड जो है अलग अलग मशीन में अलग अलग नामों से हो सकता है। ये हमारे सामने एलजी की टॉप लोड 5.5 केजी की ट्रॉम मॉडल की वॉशिंग मशीन है, जो सबसे ज़्यादा रेगुलर चलने वाली वॉशिंग मशीन है। इस मशीन में अक्सर जो है टी ई एरर कोड आता है। इसके साथ साथ कभी कभी पी ई एरर भी आता है। पी ई और टी ई दोनों ही साथ भी आते हैं, कभी कभी अलग भी आते हैं। मैं आपको आज अलग का बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जहाँ पर आपको नज़र आओगे पी सी बी ए की, यहाँ पर ये जो है टी ई करके करोड़ आता है, ये जैक की वजह से होता है। ये एक्चुअल में जो है हमारा टेम्परेचर एरर होता है। जब हमारा इस मशीन के अंदर पानी गर्म होता है तो ये जो देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये टेम्परेचर एरर के लिए होता है। इसका हमने जैक निकाला हुआ है आपको बताने के लिए कि ये टेम्परेचर में से हमने इसका जैक निकाल दिया है आपको बताने के लिए। ये आपको लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ एक पिन नज़र आ रही होगी, एक्चुअल में ये टेम्परेचर सेंसर होता है, NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट। एक ये टेम्परेचर सेंसर होता है जो कि बॉडी में लगाया जाता है, जो गर्म पानी का जो हीटर लगा होता है उसको टेम्परेचर सेंस करने के लिए लगाया जाता है। ये अभी हमने इसका जैक निकाल दिया है। जब भी इसमें कुछ एरर होती है या कोई वायरिंग कटी होती है तो टी ई एरर करके कोड हमें शो होता है। इसको चेक करने के लिए सिंपली आपको जो है हमारा मीटर जो है कंटिन्यूटी मोड पर लेना है, और उसके बाद दोनों प्रोब को जो है हमें NTC सेंसर के अंदर लगाना है। अगर बीप बजता है, अगर बीप आता है तो हमारा NTC सेंसर सही है, ठीक है। इस तरह से सिंपल वे में आप इसको चेक कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए ये NTC सेंसर बीप नहीं देता है तो आपका सेंसर ख़राब है, और अगर बीप देता है फिर भी अगर आपका NTC सेंसर या TE करके एरर कोड शो होता है तो इसका मतलब आपकी यहाँ से ऊपर से लेके PCB से लेके नीचे तक की सप्लाई चेक करना है। अगर आपकी सप्लाई भी ओके है, सेंसर भी ओके है, उसके बाद भी अगर TE एरर आता है तो उसका मतलब ये है कि आपकी PCB में फॉल्ट है। एक्चुअल में TE एरर को TE टेम्परेचर एरर कोड तीन कारणों से ही आ सकते हैं। या तो आपकी PCB ख़राब है, PCB ख़राब से पहले हमें इसकी वायरिंग देखनी है, दूसरा और तीसरा अगर हमारा NTC सेंसर खुद ही ख़राब हो। ये तीन कारणों के कारण ही TE एरर आते हैं। आपको तीनों चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चेक करनी है। अब इसके अलावा दूसरा ऑप्शन हमें इसके अंदर इसका जो है वायरिंग देखनी है, तीसरा हमें इसका PCB देखना है। ये दोनों ओके होने के बाद भी अगर जो है अगर टी एरर बताता है, मतलब हमारी PCB फॉल्ट है। आई होप दोस्तों आपको चीज़ समझ में आई होगी। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।